अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और पेन यानी कि अर्थराइटिस हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेंस की निस्बत ये पेन वुमेंस में ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर्स इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को बहुत से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत से पेशेंट मेडिसिन से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कंटिन्यूसली मेडिसिन लेने के बावजूद भी रिकवर नहीं हो पाते। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। बोन को रीशेप करने और डैमेज बोन को रिकवर करने के लिए डॉक्टर जो सर्जिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं उनमें सबसे कॉमन ऑस्टियोटॉमी है। इस दुनिया में की जाने वाली सबसे पहली सक्सेसफुल ऑस्टियोटॉमी 1835 में जॉन रियाबॉर्टन ने यूएसए की एक स्टेट पेंसिल्वेनिया में परफॉर्म की। ऑस्टियोटॉमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके दौरान बोन को कट करके शॉर्ट या लॉन्ग किया जाता है या इसके अलाइनमेंट को करेक्ट किया जाता है। ऑस्टियोटॉमी के जरिए से उन बोन को भी सीधा किया जाता है जो फ्रैक्चर की वजह से क्रूव्ड यानी टेढ़ी रिपेयर हुई हों। ऑस्टियोटॉमी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स और बोन की जाती हैं, जिनमें से कुछ कॉमन टाइप को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हिप ऑस्टियोटॉमी, इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर हिप ऑफ किड को रीशेप करते हैं और इस तरह से हिप्स ऑफ किड पेशेंट के हिप जॉइंट को अच्छी तरह से कवर कर लेता है। नी ऑस्टियोटॉमी, किसी पर्सन की नी कैप जो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो और अर्थराइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन का शिकार भी हो, पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती हैं। डॉक्टर्स इस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए नी ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान टिबिया और फीमर कट या रीशेप किए जाते हैं। टिबिया और फीमर लेग बोन्स के नेम हैं। स्पाइन ऑस्टियोटॉमी, इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर पेशेंट के स्पाइन से वेज शेप बोन को रिमूव करते हैं और इस तरह स्पाइनल अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं। जॉ ऑस्टियोटॉमी, कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो बाइट लेने के दौरान उनके टीथ लाइनअप नहीं होते। इस कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए जो ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म की जाती है उसे मैंडिबुलर या फिर जॉ ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान पेशेंट के लोअर जॉ को किसी न्यू पोजीशन पर मूव कराया जाता है। बिग टो ऑस्टियोटॉमी, इस प्रोसेस के दौरान पेशेंट के बिग टो से बोन का एक सेगमेंट कट किया जाता है ताकि इसे स्ट्रेट किया जा सके। चिन ऑस्टियोटॉमी, ये प्रोसेस प्लास्टिक सर्जन परफॉर्म करते हैं। प्लास्टिक सर्जन इस प्रोसेस के जरिए से स्क्वायर चिन को ब्रॉड या नैरो करते हैं। ऑस्टियोटॉमी के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया में रखा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सर्जन पेशेंट की स्किन पर एम्फियान यानी कट लगाते हैं। इसके बाद सर्जन एक स्पेशल वायर के जरिए से पेशेंट की बोन को मैयर करते हैं। बोन के स्पेशल सेशन को सर्जन सर्जिकल साख की मदद से बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सर्जन बोन को निकालने से पैदा होने वाली स्पेस को फिल करते हैं। इसको फिल करने के लिए सर्जन डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सर्जन टेनिस स्क्रूज और मेटल प्लेट्स को यूज़ करते हुए बोन को उसकी प्लेस पर होल्ड कराते हैं। इन स्क्वेयर्स और मेटल प्लेट को या तो पेशेंट की बॉडी में परमानेंट रखा जाता है या इन्हें बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। बाज़ूकात सर्जन बोन ग्राफ्ट को यूज़ करते हुए स्पेस को फिल करते हैं। ये बोन ग्राफ्ट पेशेंट की पेल्विस से लिया जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट को फ्यू नाइट्स के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। इसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट को हील होने में कुछ टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट की नी या हिप ऑस्टियोटॉमी हुई हो तो वो पेशेंट बहुत मन तक चल फिर नहीं सकता। ऐसे पेशेंट को क्रचेस की मदद से चलना पड़ता है। कुछ पेशेंट की फिजिकल थेरेपी भी की जाती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। इसी तरह अगर कोई पेशेंट अपनी जॉ ऑस्टियोटॉमी कराता है तो इसे 6 वीक तक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट्स लेना पड़ती है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट अपनी बिग टो ऑस्टियोटॉमी कराता है तो वो सेवरल वीक्स तक शूज नहीं पहन सकता। ऑस्टियोटॉमी के जनरल रिस्क फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग, इन्फेक्शन, ज्वाइंट स्टिफनेस, नर्व डैमेजेस, स्कॉर टिश्यूज, क्रॉनिक पेन और आर्टरी डैमेजेस वगैरह शामिल हैं। अगर आप ऑस्टियोटॉमी की टाइप पर सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।